हेलो गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। बेसिकली भारतीय फिजाई के जो चीफ है उनका एक बयान है, जरा नोट कीजिएगा टाइटल, रूस यूक्रेन जंग पर भारतीय फिजाई के जो चीफ हैं उनका बड़ा बयान, ड्रोन जंग का वहम रखने की जरूरत नहीं। मतलब कि ड्रोन से जो जंग होती है, क्योंकि अब दौर जो है वो ड्रोन का ही है, और ड्रोन से जो आपको पायलट वायलट का दौर अब रहा नहीं है, यानी कि पहले ऐसे होते थे ना, अभी भी यानी कि करते हैं, यानी कि जो अलाव है, जिसे कहते हैं ना कि ना हम केमिकल वेपन यूज कर सकते हैं, ना हम बायोलॉजिकल वेपन यूज कर सकते हैं, ना हम एटम बम यूज कर सकते हैं, अभी जंगें हो रही हैं इसके अंदर, लेकिन हम एक खास हालत में, एक खास चीज में, जैसे कि हमें अभी हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट खरीदते हैं क्योंकि हमें ओल्ड फैशन वे में ही जंग करनी पड़ती है, लेकिन वेपन्स इस किस्म के आ चुके हैं कि हमें इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने किसी भी किस्म की किसी भी शख्स को किसी ऐसे वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ कि बगैर टच किए वो किसी भी शख्स को किसी भी किसी पॉइंट पे अगर हिट करना हो तो आप हिट कर सकते हैं। ये एक यूएस ये यूएस अमेरिका का वेपन है ये जो कि इन्होंने उसके ऊपर इंस्टॉल किया है अपने शिप्स के ऊपर, और ये जहाजों के अंदर किसी भी पिन पॉइंट करना हो किसी जगह कि यहाँ पे इनको हिट करना है, तो वो कोई माइक्रोवेव हैं या क्या हैं उससे वो हिट कर देते हैं और फिर वो वहां पे बंदा खत्म हो जाता है। तो इस तरह तक के वेपन आ चुके हैं, लेकिन उसी के ऊपर ये शायद एक वीडियो है ये कि इसमें क्या अलाव है, यानी कि किस तरह ये कर रहे हैं, यानी कि ड्रोन का वहम रखने की जरूरत नहीं, तो शायद ये इसी चीज से कनेक्टेड है। थोड़ा मैं देखना चाहूंगा इस वीडियो को, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहूंगा। बदलते समय के साथ अब युद्ध लड़ने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। हमने देखा कि पहले जो इंडियन अफेयर का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करते हैं। नगानो कराबाख का युद्ध हुआ था और फिर उसके बाद जो आज के समय यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दोनों ही वॉर्स में अनमैन एरियल व्हीकल्स यानी कि मिलिट्री ड्रोन्स की परफॉर्मेंस से दुनिया के कई सारे थिंक टैंक्स काफी प्रभावित हुए थे। अजरबैजान और यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स का बहुत ही एग्रेसिव यूज किया था और आर्मेनिया और रशिया की ग्राउंड फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों ही वॉर्स को लेकर कई सारी ड्रोन फुटेजेस हमें देखने को मिली थी। टर्की का बायरक्तार TB2 ड्रोन भी इन दोनों वॉर्स में पॉपुलर हुआ था और इसी ड्रोन की परफॉर्मेंस को देखते हुए दुनिया के 22 देशों ने टर्की से बायरक्तार TB2 ड्रोन परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और दुनिया के कई सारे और भी देशों ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर डाल दिया है, जिनमें से भारत भी एक देश है। अब ड्रोन्स भी कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स, सर्च एंड रेस्क्यू ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड सिग्नल्स इंटेलिजेंस, बैटल डैमेज असेसमेंट, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस और कॉम्बैट ड्रोन्स जो एनमी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब भारत में ये डिबेट काफी तेज हो गई है कि क्या भारत को ड्रोन्स की एक बड़ी फ्लीट मेंटेन करनी चाहिए या फिर अपने फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर ही ज्यादा जोर देना चाहिए, और ये डिबेट तेज हो गई है एयरफोर्स चीफ VR चौधरी की एक स्टेटमेंट के बाद। जरूरी नहीं है कि सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट के साथ सहमत हों। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी का कहना है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स कॉम्बैट जोन और वॉर्स में हाईली वल्नरेबल होते हैं और वॉर जोन में उनका बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने स्टेटमेंट बिजनेस वर्ल्ड मीडिया को दिए इंटरव्यू में बोली है। रिपोर्ट के मुताबिक VR चौधरी साहब ने कहा कि जब उन्होंने ड्रोन्स को लेकर एनालिसिस किया तो उन्होंने ये पाया है कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स बहुत ही हाईली वल्नरेबल होते हैं, यानी बहुत ही आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जो रेंज्ड और मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जहां पर 3-4 लेवल का कवर होता है वहां पर ड्रोन्स बहुत ही कम इम्पैक्ट डाल पाते हैं, यानी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इन सबको मिलाकर एक मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। ड्रोन्स उस मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाने में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पर कई सारे लेयर्स का डिफेंस सिस्टम होता है। एयरफोर्स चीफ ने आगे ये भी कहा कि रशिया यूक्रेन युद्ध से उनको काफी कुछ सीखने को मिला है, वो पूरी नजर बनाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में स्टार्टिंग में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस काफी इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही रशिया ने एक स्ट्रक्चर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया उसके बाद से जो इनपुट्स हमें देखने को मिले हैं वो दर्शाते हैं कि ड्रोन्स हाईली वल्नरेबल हैं और इनका वॉर जोन में लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्बैट ड्रोन से ज्यादा फाइटर जेट्स को प्रेफर करते हैं और वो चाहेंगे कि कॉम्बैट ड्रोन से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट को मेंटेन करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट आने के बाद से ही ये डिस्कशंस काफी तेज हो गई हैं कि क्या भारत को बड़ी संख्या में कॉम्बैट ड्रोन्स की एक फ्लीट मेंटेन करनी चाहिए, क्या ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हमारे काम आएंगे या फिर नहीं। खैर, आपकी क्या राय है कि क्या कॉम्बैट ड्रोन्स युद्ध में अहम भूमिका यानी क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं?
क्या वो किसी भी युद्ध का रिजल्ट चेंज करने में मदद कर सकते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत अच्छी वीडियो थी। आप एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए कनाडा के अंदर अभी ट्रकिंग क्राइसिस आए थे, तो उसके जो मेयर थे उससे कहा गया कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि ऑटोमेटिक ट्रक चलना शुरू कर दें, हमें ना ट्रक जो है वो ऑटोमेटिक चलना शुरू कर दें और वो जो है वो चीजें पहुंचा दें वहां पे। तो उससे ये कहा था बंदे ने कि भाई ट्रकिंग इज नॉट अबाउट, यानी कि इट्स नॉट दैट ईजी। तो ट्रकिंग के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो मैनुअली उसको करना ही पड़ता है, मतलब वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात नहीं है, ट्रकिंग की मेंटेनेंस भी तो है ही है, उसके अलावा उसका जो ऑपरेशन है ना वो ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो एक इंसान के बगैर नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज नहीं है समझ रहे। तो वो उससे अभी तक बाहर निकल नहीं सकते, ट्रकिंग क्राइसिस बहुत आ गया था अभी कनाडा के अंदर। सेम चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि आपके जो एयरफोर्स के जो सरबरा है उन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा कि यार बगैर तो यही लग रहा था कि ड्रोन जो है वो सारा काम कर देंगे और अब पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ड्रोन को जो है हम हिदायत दे देंगे वो वहां पर अपना काम कर देगा, लेकिन कई चीजें उन्होंने ऐसे देखी कि यार ये तो उस तरह बिल्कुल फ्लाई नहीं कर रहे प्रोफेशनली जैसे पायलट खुद डिसीजन लेता है ना। कॉम्बैट जब हो रही होती है, जब डॉग फाइट हो रही होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, ड्रोन उस तरह नहीं कर सकता अपने आप को। इवन दो उस ड्रोन को अगर आप जैसे वीडियो गेम प्लेयर्स होते हैं, वीडियो गेम जो खेलते हैं उस तरह भी अगर आप उसको खेलना चाहेंगे ना, तो भी वो चीज उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा जो कि एक इंसान जहाज के अंदर खुद बैठा हुआ और उसको ऑपरेट कर रहा हो, समझ रहे। क्योंकि वो उस वक्त सारे जहाज के अंदर जो आदमी बैठा होता है ना वो सिक्स सेंस से काम कर रहा होता, अपने सेंसेस से काम कर रहा होता, सारे सेंसेस से अपने काम कर रहा होता, उसको सेंस हो रहा होता है कि इस वक्त जहाज कहाँ होगा, इस आदमी ने इस तरह का डिसीजन लिया है, ये यू मोड़ रहा है तो उसका मतलब कि अब ये यू मोड़ के यू लाया होगा तो मैं शायद यू ले लूं तो यू हो जाए, और ये सारी चीजें सिर्फ दो मिनट के अंदर हो रही होती हैं, समझ रहे। ऊपर जो है ना टाइमिंग बहुत जल्दी जाया हो रहा होता है, समझ रहे। इस तरह नहीं होता कि हम जैसे कि वीडियो गेम के अंदर वो लंबा चल रहा है नहीं और फिर दूर चले गए फिर वापस आ गए, इतनी ये गेम होती ही नहीं है। गेम सिर्फ दो मिनट के अंदर खत्म हो, सारा सीन दो मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा दस मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा दस मिनट के अंदर पूरा सीन खत्म हो चुका होता है, कोई जहाज किसी को मार चुका होता है, वो जा चुके होते हैं, सब कुछ हो चुका होता है, ऊपर टाइम बहुत फास्ट चल रहा होता है। तो ऐसी एक फिल्म के अंदर सीन भी दिखाया था, वो कह रहा होता है कि रेस्क्यू के लिए जहाज भेजे होते हैं, उसने कितने कब तक पहुंच जाएंगे, तो उसने कहा था कि 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे, उसने कहा 2 मिनट में तो पूरा सीन खत्म होने वाला है, 10 मिनट का क्या करेंगे उनके पहुंचने का। तो ये बड़ी अच्छी वो थी इसके अंदर, यही इतनी फास्ट होता है, बिल्कुल इतनी फास्ट होता है सब कुछ ना उसके अंदर। तो वो डिसीजन ड्रोन नहीं ले पाएगा, और अगर कोई ड्रोन उसको मैनुअली अगर पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ जो घर में बैठ के चला रहा है उस ड्रोन को, तो भी वो इतने फास्ट डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो पूरा मौजूद होना चाहिए, फोकस्ड, पूरा फोकस का गेम है, समझ रहे। अगर एक आदमी इस तरह कर रहा होगा ना उसका फोकस नहीं होगा, उसके दिमाग में ये नहीं कि पीछे से अम्मी आगे कह रही है जाओ बेटा दही ले आओ ये ले आओ या कोई और बात उसके उसको वो कर रही है इंटरफेयर, नहीं, उसका दिमाग खुद इंटरफेयर करता है, तो जब यही कर रहा होगा ना कहीं पहुंच चुका होगा, समझ रहे। अब उसके जहन में वो बात चल रही होगी, उस कुछ चीजों को जवाब दे रहा होगा, ये तो कर ही रहा होगा ये कहीं और होगा, पूरा फोकस नहीं होगा। लेकिन जहाज के अंदर बंदा बैठता है ना तो वो पूरा फोकस्ड होता है ना, और दूसरी बात ये कि उसकी जान भी इसमें लगी हुई होती है, तो जब वो मतलब कि वो सब कुछ अपना जो है ना स्टेक पे लगा के वहां पे बैठा हुआ होता है तो फुल फोकस होता है, फुल परफॉर्मेंस दे रहा होता है, वो चीज तो नहीं कर पाएगी। बाकी ड्रोन बहुत प्यारी बात इन्होंने पकड़ी, क्योंकि मुझे भी ये ख्याल था कि अब उसको तो रिप्लेस ड्रोन कर देगा, पायलट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गेम अगर जब सिर्फ दो मिनट में अगर खत्म हो रहा है तो फिर तो ये ड्रोन के हाथ की गेम नहीं है, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है। मुझे वही बात याद आ गई अभी जो मैंने कनाडा की बात आपसे कही थी ट्रकिंग के हवाले से, ये सब मैनुअली ही होगा और मैनुअली ही चलेगा। चले गाइस, जो नॉलेज थी मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव है, कहा सुना माफ कर दिएगा, और कोई भी बात बुरी लगी तो क्षमा कर दिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।